चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में क्या कहा है? हमारे बहुत बड़े सीनियर साथी हैं, जानकार हैं, बौद्धाचार्य हैं, और हम तो उनको एक तरह से अंबेडकराचार्य भी बोलते हैं, क्योंकि सारा अंबेडकर का वार्ड में जितना भी है उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ देखा हुआ है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश नामदेव काटके जी, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। सर धन्यवाद, मैं सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज का जो सेशन है उसमें बहुत ही बड़ी बात रखी है। बाबा साहब का जो अभ्यास है, खासकर हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं जो सभी बाबा साहब को तहे दिल से मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जिस संस्कृति की शुरुआत की थी उसी को आगे ले जाने वाले हम लोग सभी साथी हैं। बाबा साहब ने अपनी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट में ऐसा लिखा है, एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर कोई राजकीय क्रांति से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति होना अनिवार्य होता है, ऐसा बाबा साहब उसमें कहते हैं। और बाबा साहब ने उसमें उदाहरण भी दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की थी उसी के आधार पर सम्राट अशोक का 2300 साल पहले का आज के भारत से दुगना बड़ा भारत हुआ था। और सम्राट अशोक के सांस्कृतिक डेवलपमेंट से ही हमारा जो जम्बूद्वीप था तब का और अभी का भारत है उसकी नींव रखी है। और उसका अंश बाबा साहब ने जो हमारे जो सिंबल्स है जैसे कि अशोक चक्र है, या फिर नोटों के ऊपर भी हम लोग जो सिंबल देते हैं, या फिर जो स्लोगन्स भी है सारे, तो ये बाबा साहब ने सांस्कृतिक कल्चरल रेवोल्यूशन करने के संदर्भ में दिए है। तो बाबा साहब कहते कि बुद्ध ने जो सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की थी उसी के आधार पर सम्राट अशोक का वहां का भारत खड़ा हुआ था। उसी आधार पर बाबा साहब ने और क्रांतियों का उदाहरण दिया। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्धयानिस धम्म एक ग्रंथ में भी काफी सारे ऐसे अपने अनुभव छोड़े हैं जिसके आधार पर हमको ये बताया गया कि हमें हमारी कल्चर हमारी संस्कृति इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब हम बाबा साहब तो जल्दी चले गए धम्म दीक्षा के बाद, और बाद के जो जनरेशन है, बाद के जनरेशन ने बाबा साहब की जो काम की जो विचारधारा को आगे ले जाना था वो कुछ 30-40 साल पहले जो है वो बंद सा हुआ था। बाद में चल के हमने हमारी संस्कृति की खोज करते हुए हमने देखा कि सम्राट अशोक के काफी शिलालेख है, स्तूप है, जैसे कि 84,000 स्तूप बुद्ध की अस्थियां भी बिखेरी थी, और जितनी सारी सम्राट अशोक की पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी उस पर सभी जगह पर हम लोग अशोकन शिलालेख और स्तूप और चैत्य भी पाए जाते हैं। इनमें काफी सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कि सुधीरराज सिंह सर ने जो अभी का जो चित्र दिखाया है और मोतीलाल सर ने उसका वर्णन किया है, और वो जो लिपि है जो धम्म लिपि का भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इसी तरह मुंबई में जो महालक्ष्मी रेस कोर्स है, महालक्ष्मी रेस कोर्स में ताम्रपत्र मिला है अशोकन काल का, उसमें भी लिखा है कि महालक्ष्मी जो है जिसको पाली में महालक्ष्मी बोला जाता है वो बुद्ध की माँ है। तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी जो शब्द है पाली से आता है, और लक्ष्मी ये शब्द आदर भाव पूर्वक भगवान बुद्ध की माता के उपलक्ष्य में कहा जाता है, उनके आदर और सत्कार के लिए कहा जाता है। तो ऐसी ही आज की जो उदाहरण हमें दी है सुधीरराज सिंह सर ने और मोतीलाल सर ने, तो हमें हमारी संस्कृति इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे ही कुछ प्रमाण खोजने होंगे। और बाबा साहब ने जैसा कहा कि हमारी कल्चरल रेवोल्यूशन बनाने के लिए हमें इसमें बहुत खोज करके हमारे जितने भी रिसोर्सेस है एविडेंसेस है इनको खोजना पड़ेगा, तभी हम हमारा कल्चर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और ये काम हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास, जो बुद्धिजीवी क्लास होता है वर्ग होता है वो प्रभावशाली वर्ग होता है। और बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारी संस्कृति में खासकर बुद्धिस्ट संस्कृति में क्या हमने पाया था। अगर हम लोग इजिप्ट की बाउंड्री तक और इधर चाइना की बाउंड्री तक और एक खुरान खुतान श्रीलंका यहाँ इतनी सारी बाउंड्री तक हमारी कल्चर इस्टेब्लिश हुई थी, सारा एशिया इस कल्चर में
पूरा समाया था, ये कल्चर आज हमारी कहीं दिखाई नहीं देती। इस कल्चर की खोज हमें करनी होगी, इसीलिए ऐसे प्रमाण जो है हो सकता है कि आगे चलकर हमारे ही बीच में से कोई बुद्धिजीवी या कोई संशोधक या कोई आर्कियोलॉजिस्ट या कोई पाली का धम्म लिपि का जानकार हमारा सामने आए और ऐसे प्रमाण सिद्ध करे, ताकि हमारी जो हाइजैक की हुई जो कल्चर है उसका हम प्रमाण सिद्ध कर पाएंगे। इसी लक्ष्य से हमें ये बाबा साहब ने दी हुई संस्कृति को इस्टेब्लिश करना होगा और ऐसे प्रमाणों को सिद्ध करना होगा। हो सकता है कुछ चाइनीज कैनन्स है, कुछ श्रीलंकन है, जैसे दीप वंश है, महावंश है, कुछ बुद्ध चरितम से भी कुछ आते हैं और कुछ बहुत सारे एविडेंसेस है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसमें से हमें हमारा कल्चर मिल सकता है। और ये कल्चर के लिए हमें ऐसे प्रमाणों को सिद्ध करना होगा। इसीलिए बहुत लोग विरोध भी करते हैं कि ये क्या, बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा दी है, फिर ये हम इसको कैसे लाएंगे। लेकिन हमारा बहुत कुछ कल्चर है वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें आगे आना होगा, तभी हम हमारा कल्चर खुद इस्टेब्लिश कर पाएंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.